नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के कमेंट्स और लाइक्स के लिए। आज आपको मैं बताता हूँ कि एक प्रयोग करने वाली कमिटी 5 बंदरों को एक पिंजरे के अंदर बंद कर देती है। पिंजरे के बीच में एक सीढ़ी लगाती है और सीढ़ी के ऊपर कुछ केले रख देती है। अब उन 5 बंदरों में से एक बंदर केला लेने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगता है। जैसे ही वो तीसरी चौथी सीढ़ी चढ़ता है, तभी उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है और वो घबरा जाता है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उस अकेले पर, उसके किए गए के कारण उन सारे बंदरों पर भी ठंडा पानी डाला जाता है। थोड़ी देर तक वो बंदर चुपचाप बैठे रहते हैं और फिर थोड़ी देर बाद में एक दूसरे बंदर के मन में आता है, चलो मैं ही वो केले ले लेता हूँ। वो फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो दूसरी तीसरी सीढ़ी पर चढ़ता है, उसके किए की सजा सारे बंदरों को मिलती है। सभी बंदरों पर ठंडा पानी डाला जाता है। अब फिर बंदर चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर तीसरी बार एक तीसरा बंदर उन केलों को लेने के लिए जाता है, लेकिन इस बार कुछ गजब ही होता है। जैसे ही वो दूसरी सीढ़ी चढ़ता है, बाकी के सभी बंदर उसको रोक लेते हैं, उसको पीटने लग जाते हैं। इस बार पानी नहीं डाला जा रहा उन पर, लेकिन वो डर के कारण उसे पीट रहे हैं और उसको रोक लेते हैं। अब ये 5 बंदर कोई भी उस केला लेने के लिए कोशिश नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद में क्या करते हैं कि एक पुराने बंदर को पिंजरे में से निकाल लेते हैं, एक नया बंदर पिंजरे में लाते हैं। अब नया बंदर देखता है इनमें से कोई केला नहीं खा रहा है, वो चाहता है कि केला खाए। जैसे वो केला खाने के लिए ऊपर बढ़ता है, वैसे ही 4 बंदर उस पर टूट पड़ते हैं और उसको केला नहीं लेने देते। अब फिर दूसरी बार वो कोशिश करता है, फिर उसको पीटते हैं। अब उसे समझ में आ जाता है कि केला देखने के लिए रखा गया है, खाने के लिए नहीं रखा गया। थोड़ी देर बाद में एक और बंदर को, पुराने बंदर को बाहर कर देते हैं प्रयोग करने वाले लोग, और एक नया बंदर उस पिंजरे के अंदर लाते हैं। अब उस पिंजरे के अंदर जैसे ही वो नया बंदर केला लेने के लिए सीढ़ी पर चढ़ता है, तो बाकी के 4 बंदर उसको पीटने लग जाते हैं। मजे की बात यह है कि जो उससे पहले बंदर आया था, उसे पता नहीं है कि पीटना क्यों है, क्योंकि पानी तो अब नहीं डाला जा रहा ना, तो पीटना क्यों है उसे पता नहीं है, लेकिन बस वो भी सबके साथ में शामिल है। और ऐसा ही फिर बंदर को, पुराने को निकालते हैं, नए के लाते हैं, उसके साथ भी यही होता है। आखिर में ऐसे सब लोग बच जाते हैं, पुराने बंदर सब गायब जिनको पानी का डर था, लेकिन अब केला किसी को नहीं लेने दिया जा रहा, लेकिन पिटा सबको जा रहा है। दोस्तों ऐसा ही होता है, हम जब आसपास में कुछ नया करने का सोचते हैं, कुछ राजनीति में, पॉलिटिक्स में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, ड्राइंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में, तो आसपास के सारे लोग उन बंदरों की तरह हम पर झपट पड़ते हैं और हमको पीटते हैं, और उनको ये पता नहीं है कि पीटना क्यों है। जी हाँ दोस्तों, सो बच के रहिएगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।